दिलीप, तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुम किससे बातें कर रहे हो। अरे मैं कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं मैं। इतने साल से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिए, क्या इस दिन के लिए कि आज जब तुम बड़े हो तो तुम हमें ज्ञान देने लगो। मैं पूछना चाहता हूं कि रीता में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। अच्छा खासा खानदान है, अच्छे खासे लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है, खूब बड़ा बिजनेस है उनका, संस्कारी लोग हैं, उसके बावजूद भी तुम सिर्फ इस जिद पर अड़े हो कि तुम्हें रीता से शादी नहीं करनी। कोई एक रीजन, सिर्फ एक रीजन दो जिसकी वजह से तुम ये साबित कर सको कि रीता की फैमिली तुम्हारे सुटेबल नहीं है, तो मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे बेफालतू के डिसीजन की वजह से मेरी समाज में कितनी बदनामी होगी इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी। नहीं दिलीप, इस घर में अगर किसी की मर्जी चलेगी तो सिर्फ मेरी, क्योंकि ये घर अभी तक सिर्फ मेरा है, और मेरे मरने के बाद अगर होगा तब तुम्हारा होगा, वो भी सिर्फ मेरी मर्जी से, समझे तुम? अगर तुम्हें रीता से शादी करनी है तो ठीक है, और अगर तुम्हें हमारी कोई बात नहीं माननी तो आज के बाद इस घर में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम जा सकते हो। गेट लॉस्ट।